हेलो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हर साल 11 जनवरी से लेके 17 जनवरी को रोड सेफ्टी वीक मनाता है। मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग, लखनऊ एडोलेसेंट हेल्थ एकेडमी एंड लखनऊ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से अपना अवेयरनेस वीडियो ऑन रोड सेफ्टी वीक लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, हमारे इंडिया में हर साल तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट्स में होती है। इट्स अ वेरी बिग नंबर, और इसमें ज़्यादातर जो अगर आप देखें हमारे यूथ्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, केयरलेस ड्राइविंग करते हैं, विदाउट हेलमेट से विदाउट सीट बेल्ट यूज़ करते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल एक हफ्ता पूरा रोड सेफ्टी वीक के तरफ से मनाती है, जिसका मकसद होता है कि हम लोग अपने स्कूल्स में पुलिस की मदद से पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करें कि भाई हमें रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है, ताकि हमारे जो बच्चों की जाने हैं या एडल्ट्स की भी जो जान जा रही है रोड सेफ्टी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, इसको बचाया जा सके। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं रोड सेफ्टी के लिए, मैं अपने सारे व्यूअर्स को और अपने जो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी देना चाहूँगा। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका बच्चा 18 साल का नहीं है तो उसको कार और मोटरसाइकिल या स्कूटी आप नहीं चलाने देंगे। इसके लिए आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अक्सर मैंने देखा है कि पेरेंट्स अपनी कन्वीनियंस के लिए 10-12 साल का बच्चा स्कूटी चला रहा है, 14 साल का बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा है, 16 साल के बच्चे कार चला रहे हैं। ये जानलेवा हो सकता है और ये आपकी लापरवाही आपके बच्चे की जान ले सकती है। इसलिए मेरी सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जब तक आपका बच्चा लाइसेंस बनाने की एज, जो कि 18 साल हमारे देश में डिसाइडेड है, उससे पहले आप अपने बच्चे को कोई भी व्हीकल चलाने की इजाज़त नहीं देंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा जो अब बच्चों की जिम्मेदारी आती है कि जब आप बाइक चलाएंगे या स्कूटी चलाएंगे तो विदाउट हेलमेट नहीं चलाएंगे, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, कार चलाते वक्त आपके पास सीट बेल्ट बंधी होनी चाहिए, आपके पास जिसे कहते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव, कभी भी आप शराब पी के या नशे की हालत में कार नहीं चलाएंगे, जब आप थके होंगे तब आप कार नहीं चलाएंगे, और ट्रैफिक रूल्स का आपको रेगुलर पालन करना ज़रूरी है। बच्चों की मैं समझता हूँ कि स्कूल्स में अवेयरनेस कैंपेन चलनी चाहिए, जिसमें रोड सेफ्टी के जो आपको जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उसको फॉलो करना। हमारे यहाँ जो एक टेंडेंसी है कि हम लोग ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने को अपनी शान समझते हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत है। इस पे हमारे पास स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, पेनल्टीज करनी चाहिए, ताकि आप बच्चे हमारे जो इवन एडल्ट्स हैं वो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करें, उसको समझें और उसको बिल्कुल उसका उल्लंघन न करें। इसके अलावा इस रोड सेफ्टी वीक में मैं अपनी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे जो रोड के नेटवर्क्स पे हाईवेज पे इमरजेंसी व्हीकल्स का जो रेस्क्यू करने का जो है उसकी पूरी एक टीम होनी चाहिए, जो कि प्रॉपर तरीके से अगर कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट्स होता है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना भी एक आर्ट होती है। क्योंकि अगर किसी की, मान लीजिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में किसी की नेक में इंजरी है और आप उसको गलत तरीके से उठा लेंगे तो वो उसके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विसेज होनी चाहिए, ट्रॉमा की टीम्स होनी चाहिए जो कि हाईवेज पे पेट्रोलिंग करनी चाहिए ताकि उनको प्रॉपरली रेस्क्यू करें। अगर हमारी गवर्नमेंट्स अपने हाईवेज पे इस तरह की ट्रेन ट्रॉमा रेस्क्यू टीम्स चलाएगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी जानों को बचाया जा सकता है, जो कि हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर एम्बुलेंस या लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी जाने चली जाती हैं। तो दोस्तों, रोड सेफ्टी वीक में मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं एक दो दिन में आपको एक और कुछ और हेल्थ रोड टिप्स दूंगा। तो आज के लिए मैं समझता हूँ कि मेरा मैसेज यही है कि हमारे अपने बच्चों को हम लोग रोड सेफ्टी के रूल सिखाएं, स्कूलों में जनरल अवेयरनेस, पुलिस के साथ मिलकर अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, और ड्रिंक एंड ड्राइव विदाउट लाइसेंस, इन सबको हमें अवॉइड करना है। इस साल का जो रोड सेफ्टी वीक का थीम है वो है सेफ योरसेल्फ टू सेव योर फैमिली। आप सेफ रहेंगे तो आपका परिवार भी सेफ रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और रोड सेफ्टी वीक्स को अवेयरनेस बढ़ाइए और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।